बता दें कि झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष SNCU वार्ड में भीषण आग लग गई। आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की झुलसने से एवं दम घुटने से मौत हो गई। CM ने घटना पर दुख भी व्यक्त किया है। जिस वार्ड में आग लगी थी वहां 47 नवजात भर्ती थे। खबर लिखे जाने तक वार्ड में 31 नवजात को बाहर निकाल लिया गया था। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। सेना को भी बुला लिया गया। सेना एवं दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। 10 नवजात की मौत से अस्पताल परिसर में कोहराम मच गया। नवजातों की माता पिता भी अभी अपने नवजातों को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि झांसी में मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी झांसी मेडिकल कॉलेज के NICU में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है और शुक्रवार देर रात घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने रातों रात उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को मौके पर भेजा। मुख्यमंत्री जी पूरी रात घटनास्थल से पल पल की जानकारी लेते रहे। टीवी पर भी नजर बनाए रखी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर घटना में असमय काल कवलित नवजात बच्चों के माता पिता को 5-5 लाख रुपए तथा घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने झांसी के मंडलायुक्त और DIG को 12 घंटे में घटना के संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। आइए देख सुनते हैं झांसी के सरकारी अस्पताल में आग से झुलसने से कई बच्चों की मौत होने पर प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक वार्ड के भीतर 50 से ज्यादा बच्चे भर्ती थे। सुनिए क्या कह रही है पीड़ित महिला। वाराणसी से खुश रंगीना की रिपोर्ट। जय देव। मैं जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के NICU में जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें दो चरण में NICU है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी आग की और रेस्क्यू की टीम और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को बचा। रूप से गया है। अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं। कितने हैं उसकी सब सूची बना रहे हैं। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और DIG सर के उसमें बना दी गई है जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। हमारा नाम भैया, हम मरीज के संग रहे थे। हमारा नाम संजना है, कुलदीप नीलू का बच्चा है। हम मंगलवार को बच्चा भर्ती करा था। तो कितने बच्चे भर्ती हुए? लगभग 50-60 बच्चे भर्ती थे भैया। तो क्या देखा, क्या सोचा? आग लग गई भैया बच्चन की, पूरे की आग लग गई। भैया हमने आँखें से 12-15 बच्चे जले जलाए निकाल कर ले आए हैं भैया। हमने अपने आँखें से देखा है भैया जले जलाए। अब भैया हमारे बच्चा नहीं, अब मिलो पता नहीं आए अंदर भी बच्चा इमरजेंसी में चले गए हैं, कुछ निकाल ले गए हैं। 10-12-15 बच्चा चल गए हैं भैया।